हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ 2023 न्यू मेकअप रूटीन टेक्निक्स। तो लेटली मैं ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ बिकॉज आप लोग मेरी वीडियो बहुत पसंद करने लगे हैं। सो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं फिर देखिए मेरी वो हरकतें ख़त्म नहीं होने वाली, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ डर्मावाइव का हाइड्रा क्लेंज़र। ये एक बहुत अमेजिंग क्लेंज़र है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है अगेन आफ्टर यू नो फेस वॉश के बाद भी। तो मैं इसे यूज़ करने के बाद अपना न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करती हूँ। अगेन ये बहुत अमेजिंग लोशन है मॉइस्चराइज करने के लिए आपकी स्किन को। ये ऑल स्किन टाइप्स है और बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता। आई रियली लव बोथ ऑफ देम। ये दोनों एक साथ बहुत अमेजिंग तरीके से वर्क करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो प्रोडक्ट डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हो आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। सो या उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाम। दिस इज़ बाय पिलग्रीम। ये है पिलग्रीम का स्क्वालिन बबल गम लिप बाम। इसमें ना बहुत अमेजिंग सी फ्रेग्रेंस है। अगर आपने बचपन में बूमर खाई है ना तो ये आपको उसी की याद दिलाती है। तो या और लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है गाइज, मैं बहुत ज़्यादा इसे पसंद करती हूँ। आई रियली लव दिस लिप बाम, दिस इज़ अमेजिंग। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे स्किन केयर करते ही, तुरंत आपको मेकअप नहीं स्टार्ट करना है। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे रुक गई थी 10 मिनट और उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने आईब्रोज से। सो बेसिकली मैंने स्पूली से अपने पूरे हेयर्स को हटा दिया है और मैं यहाँ पे स्किन पे अपने आईब्रोज के बीनीथ जो स्किन होती है मैं वहाँ पर कलर कर रही हूँ और स्पूली के हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इससे आपको बहुत ही नेचुरल आईब्रोज मिलेंगे और वो बिल्कुल भी फेक नहीं दिखते हैं। उसके बाद मैं लैश कर्ल यूज़ कर रही हूँ। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बट ये मैंने अभी लेटली फॉलो किया और ये बहुत अमेजिंग लगता है मुझे, तो मैं अपने लैश को कर्ल कर दे रही हूँ। आप सोचोगे जो चीज़ हम लास्ट में करते हैं वो पहले क्यों कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए आपको सब समझ आ जाएगा। तो मैं बहुत हार्ड कर्ल करूँगी अपनी लैशेस को बिकॉज आई लव इट दैट वे। और उसके बाद मैं अपना मस्कारा लूँगी और एक बार अपनी लैशेस को कोट कर दूँगी। यहाँ पे मैं मेबेलिन हाइपर कर्ल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो आप देखो क्या दिख रही है लैशेस। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का मिडास टच। ये अगेन मैक के जैसा है, प्राइम एंड सेट वाला। सो या आपको एक हाइड्रेटिंग मिस्ट जो है वो अप्लाई कर देनी है और अप्लाई करने के बाद आप इसे टैप टैप कर सकते हैं। आप हाइड्रेटिंग टोनर भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। उसके बाद मैं अगेन एक प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अब ये जो प्राइमर है ये इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है। दिस इज़ बाय बेलोरा पेरिस और ये एक बहुत अच्छा यू नो मॉइस्चराइज़र है। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ प्राइमर की जगह। उसके बाद मैं अपने कलर करेक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। आई एम सो सॉरी फॉर ब्लैबरिंग। तो मैं यहाँ पे कलर करेक्शन कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, जी हाँ, लेकिन मेरे फेस पे है तो मैं डायरेक्ट अगर यू नो अपना फाउंडेशन एंड ऑल लगाऊंगी तो ये ग्रे कर देता है। और आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने अपने फिंगर्स से ब्लेंड किया है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अगर आप मेरे व्यूअर हो तो आप जानते हो कि मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बेसिकली मैं अपने डार्क स्पॉट हाइड करने के लिए भी यूज़ करती हूँ बट आज मैं इसे कॉन्टोर के जैसे क्रीम कॉन्टोर जैसा यूज़ करूँगी। आई डोंट नो कैमरा पे इसका कलर क्यों इतना थोड़ा अलग दिख रहा है बट आप नोज़ पे जब मैं करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल कलर कैसा है। ये ऑफकोर्स वो कॉन्टोर शेड वाला ही कलर है जो आपको शेडो अच्छे से दे सकता है। सो या तो जितनी प्लेसेस पे हम कॉन्टोर करते हैं अपने फेस पे उतने स्पेस पे मैं लगा दूंगी। उसके बाद मैं एक रैंडम ब्लश है, मुझे ब्रांड नेम नहीं याद है, एक रैंडम ब्लश है, मैं इसे ये क्रीमी ब्लश है तो मैं इसे अप्लाई कर दे रही हूँ। अगेन आप सोचोगे ये मैं कर क्या रही हूँ, तो बेसिकली मैं बहुत मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ अपना मेकअप करने के लिए और आप आगे जादू देख सकोगे। उसके बाद एक यू नो हाइलाइटर की ज़रूरत थी जो क्रीमी हो, तो मैं यहाँ पे NYBA की स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हूँ विच इज़ इन द शेड रोज डायमंड। सो या
मैं ये यूज़ करूँगी और सारे हाइलाइटेड एरियाज में लगा दूंगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ बेला वोस्टे का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, दिस इज़ इन द शेड बेरली बेज। तो मैं जितने भी एरियाज पे फाउंडेशन की ज़रूरत है बस वहाँ अप्लाई करूँगी, अंडर आइज पे नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि अंडर आइज पे हम लोग हाईलाइट करते हैं ब्राइटनिंग कंसीलर के साथ। सो या अब उसके बाद आती है ब्लेंडिंग की बारी, तो ब्लेंड मैं करने जा रही हूँ। अब मैं ब्लेंड करूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो आप देखो ब्यूटी ब्लेंडर आपको ऑफकोर्स राउंड शेप में मिलता है, सबका अलग अलग शेप होता है, तो इसके बहुत सारे साइड्स होते हैं। मैंने मेरे ब्यूटी ब्लेंडर को फ्रीज़र में रखा था, ठीक है, और फ्रीज़र में 1 आवर रखने के बाद मैंने इसे यूज़ किया है। मैं एक प्लेट में रख के आपको रखना है फ्रीज़र में, वरना आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो ख़राब हो सकता है। सो या उसके बाद मैं सबसे पहले जो भी डार्क एरियाज़ यानी डार्क शेड्स हमने लगाए हैं जैसे कॉन्टोर ब्लश, हम पहले वो ब्लेंड करेंगे और उसके बाद हम लाइट शेड्स पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप पूरी तरीके से वो ब्लेंडिंग देख सकें। वरना होता है कि आपको ऐसा लगता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स कॉन्टेंट क्रिएटर्स वीडियो के पीछे जाके कुछ और यूज़ करके आके दिखाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने ही कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो आप देख रहे हो एक साइड से मैंने कॉन्टोर एंड ब्लश ब्लेंड किया है, अब दूसरी साइड से मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी मेसअप नहीं हो और यू नो लाइट शेड्स पे डार्क शेड्स का इफेक्ट नहीं आ जाए। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आप कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको 10 अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने पड़ेंगे। सो या मेक श्योर कि आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। फोरहेड पे भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि कितना फ्लॉलेस सा बेस मेरा सेट हो गया है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लेयर के ऊपर लेयर नहीं हुआ है, सिर्फ 1 लेयर ऑफ प्रोडक्ट्स है मेरे फेस पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, एक नेचुरल फिनिश भी देता है और आपके स्किन जो है वो केकी नहीं दिखता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर टू यू नो हाईलाइट माय फेस। तो आप देख रहे हो अंडर आइज़ पे मैंने 2-2 ट्राइंगल्स बना दिए हैं, ये इसलिए मैंने बनाए हैं ताकि एक अपलिफ्टिंग यू नो इफेक्ट आए मेरे फेस पे, दैट्स इट। तो अगर आपको वैसा देखना है यू नो स्कल्प्टेड कैसे हम अपने फेस को बनाएं, अगर आपको वो डिटेल वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आप लोग के लिए वो क्रिएट करूँगी। तो मैंने मेरे यू नो अबव आईज यानी अपर लिप्स पे भी कलर करेक्शन किया था, तो मैंने वहाँ पे भी लगा दिया है कंसीलर। अगर आप कोई आई शेडो नहीं यूज़ करने वाले तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए। उसके बाद अगेन सब कुछ ब्लेंड होने के बाद मैं वापस मिस्ट स्प्रे कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे पाउडर से सेट नहीं किया, मैं उससे पहले मिस्ट अप्लाई कर रही हूँ, तो आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं मेरा ब्लेंडर लूँगी और बैक साइड से मैं टैप कर दूंगी, तो मैं प्रोडक्ट को पुश कर रही हूँ अपने स्किन के अंदर। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल सी कि कितना अमेजिंग यू नो इफेक्ट आ गया है हमारे स्किन पे और कितना फ्लॉलेस हमारा जो बेस है वो दिख रहा है। यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर के लिए यूज़ कर रही हूँ पैक का HD ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो हम इसे यू नो एक ट्राइंगल पफ के हेल्प से इसे सेट कर देंगे। जी हाँ, हमें बेकिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ सेट करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, एंड ट्राइंगुलर पफ आजकल बहुत अमेजिंगली काम करते हैं। मेरे पास ये PNF आई थिंक यही ब्रांड है, यस यही ब्रांड का है। तो ट्राइंगुलर पफ बहुत इजीली आपके यू नो बहुत इजीली आपका काम कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता सेटिंग करने के लिए। सो या आई रियली लव यूजिंग दिस। सो या उसके बाद हम लोगों ने सेट कर दिया है फेस, तो हम नेक पे भी और पूरे फेस पे अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद ब्लश के लिए मैं पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का ब्लश पैलेट और मैं इसी में से मिक्स करके पिंक कलर्स एंड दिस सिनेमन कलर मिक्स करके मैं एक ब्लश कलर क्रिएट करके अपने चीक्स पे लगाऊंगी। मैं यहाँ पे ब्लश को सी टाइप पे लगा रही हूँ। अगर आपको यू नो ब्लश हम कितने टाइप्स पे लगा सकते हैं, अगर आपको ये भी वीडियो देखनी है कमेंट कर लो, मैं बना दूंगी। तो अगर आप कमेंट करोगे तो ही पता चलेगा ना, आपको देखनी है तो प्लीज़ कर दो। उसके बाद मैं सेम वो सिनेमन कलर लेके, ये डार्क सिनेमन नहीं बहुत सॉफ्ट ब्राउन कलर है, तो मैं उसे लेके अपने आईज़ का जो कॉन्टोर एरिया होता है वहाँ पे भी मैं इसे अप्लाई कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। आप ये तब कर सकते हैं जब आपको आईज़ के ऊपर कोई शेडो नहीं देना और आपको बहुत यू नो
लाइट रखना है अपनी आईज को. सो या उसके बाद मैं मैक का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ. शेड नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो. ये हाइलाइटर बहुत सॉफ्ट इफेक्ट देता है, बहुत नेचुरल फिनिश देता है. ऐसा लगता है आपकी स्किन अंदर से ग्लो कर रही है रादर देन वो चंकी पार्टिकल. सो आई रियली लव दिस. आई लव दिस ऑन माई ब्राइड्स एज वेल, तो मैं ब्राइड्स में भी ये यूज़ करती हूँ. सो या उसके बाद हम लोग इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर देंगे. मेक श्योर जब भी आप अपने आईज पे कोई आई शेडो नहीं लगा रहे हो, आप एटलीस्ट अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करो, ताकि यू नो आपको वो अच्छा ओपन आई इफेक्ट मिले. सेम कॉन्टोर शेड जो मैंने आईज के ऊपर यूज़ किया था, वही मैं यू नो लोअर आईज पे भी यूज़ करूँगी अपने, बहुत हल्का सा. उसके बाद मैं यहाँ पर माई ग्लैम की पेंसिल ले रही हूँ. माई ग्लैम की पेंसिल, ये जो है माई ग्लैम की लिट पेंसिल है इन द शेड यस. सो या मैं इससे एक आईलाइनर अप्लाई कर दे रही हूँ. ये यू नो एमरल्ड ग्रीन कलर की है. सो या उसके बाद मैं अगेन अपना लैश कर्लर लूँगी और अपने लैश को फिर से एक बार कर्ल करूँगी. जी हाँ, अच्छा पहले टाइम जब हमने कर्ल किया था तो आपको ये इफेक्ट दिखा होगा कि हमारी आईज पूरे टाइम, अगर आप नॉर्मल बेस करो तो आपको ऐसा लगता है आपकी आईज है ही नहीं, भूत बन गए हो आप. लेकिन अगर आप ये करते हो तो आपकी आई लैशेज के लिए आपको यू नो फेक आई लैशेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपकी नेचुरल आई लैशेज बहुत अच्छी दिखती है. लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बिलोरा पैरिस की नो एविडेंस लिपस्टिक इन द शेड 19 वाइल्ड पीचेस. सो या बहुत अमेजिंग सा शेड है, मैट होने के बाद और ज़्यादा अच्छा दिखता है. तो बेसिकली दिस इज़ हाउ माय मेकअप लुक टर्नड आउट. आप देखो ये कितना नेचुरल और फ्लॉलेस दिख रहा है. आप अगर इसके लिप शेड को यू नो थोड़ा सा न्यूड कर दोगे या ब्राउनिश कर दोगे, ये और अच्छा इफेक्ट आपको देगा. आप ऐसे मेकअप को एवरीडे भी वेयर कर सकते हो बाय चेंजिंग द लिप कलर. आप चाहो तो ग्लैम अप कर सकते हो, पार्टी लुक के लिए भी जा सकते हो. उसके अलावा आप चाहो ना तो आप इसे वेडिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एक हल्का सा यू नो शिमरी शेड ऑन आईज देके. सो मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगा. और ये बेसिकली इसमें मैंने थोड़ा सा रिवर्स मेकअप टेक्निक यूज़ किया है, बट अगेन कीपिंग दैट इन माइंड कि हमारे फेस पे लेयर ना चढ़े. सो आई होप कि आपको मेरे ये जो वीडियो है टेक्निक से वो अच्छे लगे होंगे. प्लीज़ कमेंट कर देना और बता देना सबसे अच्छी टेक्निक आपको इसमें कौन सी लगी और आप कौन सी टेक्निक को फॉलो करना चाहेंगे. और मुझे एक हेल्प आपसे और चाहिए कि आप प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो. वैसे काफ़ी लोगों ने यू नो अपनी वीडियो रिक्वेस्ट बताई है, तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ. विदाउट डिटेल्स मैं कोई भी वीडियो आपके सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेती हूँ मैं. बट या मैं ऑफकोर्स वर्क कर रही हूँ और मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी. प्लीज़ मुझे बता देना अगर आपको स्किन केयर रिलेटेड भी वीडियो चाहिए. अच्छा, ये रिंग लाइट में आपको इफेक्ट दिख रहा है. विदाउट रिंग लाइट इस तरीके से मेरा फेस दिख रहा था, तो ये भी मैंने आपसे क्लियर कर दिया ताकि आपकी आंखों के आगे कोई पर्दा ना रहे. सो या आई होप आपको अच्छा लगा. मेक श्योर लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. टिल देन टेक केयर, बाय.